आप मैं खींचता हूँ ना। नमस्कार मित्रों, और मैं आज आ रही गोलजू मंदिर। आप देखें अच्छा कि हमारे इष्ट देव गोलजू जनर पूरा जन्मस्थली जो छो चंपावत छो। ये देखो सारा जो छो ये पूरा मंदिर छो, और बहुत सुंदर यहाँ भगवान जी को दर्शन है, और बहुत ही बढ़िया यो आज सौभाग्य मिलो हमारे वर्मा जी से उनर सानिध्य ये हम गल ये थी आनंद भोग मिलो। और पिथौरागढ़ ली जहाँ घुमा है और हम उन गुलजू दर्शन करने वास्ते हम आज सब बहुत मस्त हूँ। आओ जाओ, आओ जाओ। बहुत पुराना मंदिर छो, और आप सब लोगों को रूबरू करना चाहे, और हमारे इसलिए बोल जो कि दरबार में कतु लोग ने उन्होंने भल कर है चेली बेटी सब चेली बेटी आप दिशा ध्यान होकर उन आशीर्वाद सो हमारे इष्टदेव अवीला जो सो न्याय कार्य राजन। और आज मेरे परम सौभाग्य सो कि मैं पहली बार यह जग में आई उन्होंने बारे में यहाँ लिखी रहूँ जो इतिहास जो बारे में यहाँ लिखी सो एक देखो जरा सब करीब है। और ये पुरान उन्हर जहाँ वो इच्छा पर थी वो जल से पूरा सारा, और आप देखना चाहिए देखो पूरा कंटी पूरा लिखी छो। और ये मेन गेट से और यहाँ बटी देखो यहाँ पास मुराद है, और जो उन्होंने जन्म दिल को चीज भगवान है मांगनी उन्होंने सब न घर सब भगवान जो है उनको जो है अपना आशीर्वाद देनी चेली बेटियों पे। और ये देखें सर मुझे मंदिर यहाँ से फोटो खींचना मना सो, और थोड़ा सा थोड़ा सा तुम पर नजर थोड़ा सा बस ज़्यादा योग नहीं कर सकूँगी ध्वनि सुन दे विराजमान। तो आप सब लोगों का गुरु की कृपा बनी रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर ये लिखा नहीं पढ़ने ना सही से बोलो गुरु जी महाराज की जय। आप ऊपर साक्षात विराजमान से हमारे इष्ट देव, और तुम्हारे सब न भल करे, और सब लोग हम चेली बेटे हम सब हैं यह प्रार्थना करूं कि उन घर में खुशहाली है और हमारे गोलजू का सब याद करते रहे। जय गोल देवता। उन्होंने पूरा अपना क्षेत्र में जो शुरू बटी वचन बटी वो न्याय करते रही, और आईले जो है वो न्याय करने में पश्चिम निरंदे हो ये उन मंदिर सो, और हमारे सौभाग्य सो। जय हो। बोलो गोलजू महाराज की जय। बोलो रज्जू की जय। जय जय। बोलो कालिंका माई की जय। जय हो। जय मैंने तुम्हारे वीर जी नाम लिया।